धीरे मुझे बोला तू भी हमारे साथ आ, हमारे पास बैठ। तो सब को एक्टर जितने भी थे उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन दिया, सब सबके साथ मस्ती की एंड वही था, एक दूसरे से मिले, हेलो हाय ओके बाय, बस ऐसे था। अच्छा शहनाज सुनो, आपसे जानना चाहूँगी कि आप पंजाब इंडस्ट्री से यहाँ आई थी, वहाँ के काम करने के तरीके और यहाँ के काम करने के तरीके में कितना आपको फर्क नजर आया जब आपने ये फिल्म की थी? ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म्स होती है, मुझे लगता है बॉलीवुड वाली जो भी फिल्म्स होती है, और मेरे लिए बहुत शॉक्ड था कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लाइक मतलब उनके सेट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आई होप के पंजाबी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे राइज करे एंड उनके भी बजट, इतने बड़े बड़े बजट की फिल्म्स बने। तो यही एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, देखा वाओ अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये था। शहनाज बिग बॉस में भी सलमान जी आपसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत आपका ख्याल रखते थे। स्नेह रखते थे मतलब एक तरीके से ख्याल रखना, प्यार करना। जब यहाँ पर सेट पर आए तो क्या वही सलमान जी मिले, या फिर यहाँ पर जब वो एक्टिंग कर रहे हैं तब उनका थोड़ा बदल जाता होगा? एक्टिंग करते तो ऑफ कोर्स बंदा कैरेक्टर जो भी मिलता है वैसे ही एक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो बिग बॉस के सेट पे होते हैं, रियलिटी शो में है, वैसे ही है सेम। कुछ मतलब नया देखने को नहीं मिला। यस दे आर ही सेम, वो अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, यही सब। तो यानी आपने खूब हंसाया उनको यहाँ सलमान बहुत हंसते थे जब आप? नहीं सर, मुझे करेक्ट करते थे, वैसे सच्ची बोलूं सर मुझे करेक्ट करते हैं कि अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है, हंसी मजाक हो गया, अब तुझे आगे आगे लाइफ में सीखना है, और मैं कर रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, ट्राई करती हूँ मैं हिंदी सीख लूँ जल्दी से। यस समझ गए ना तुम लोग। नहीं सर के साथ सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो तो तुमने चलो रियलिटी शो में मेरा देखा हुआ है बॉन्ड, वो कैमरास के आगे है, लेकिन सर का सभी आर्टिस्टों के साथ अलग अलग बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो सब ऑफकोर्स जानते होगे ना सर सबको, और सर के साथ सारे मस्ती करते, सर सबको अपने मतलब कंफर्ट जोन फील कराते थे, खाना खाते थे एक दूसरे के साथ, हम सेट पे सर बुलाते थे आओ लंच डिनर, हमने इकट्ठे किया है सबने। शहनाज जी डांस नंबर्स की बात की जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डांस नंबर्स भी हैं इसमें, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई आपको डांस करने में? कुछ नहीं, जाते ही सेट पे वहाँ स्टेप बताते थे एंड वो स्टेप हम कैरी कर लेते थे कॉन्सेंट्रेशन। आपको कितनी मदद मिली डांस के लिए? राघव अच्छे डांसर हैं। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड ऑफकोर्स मदद मिलती है, जब कोई अच्छा डांसर होता है तुम उसके पास ही जाते हो, भाई तू मुझे सिखा इससे समझ नहीं आ रहा, तो अच्छे डांसर से ही सीखना चाहिए। मैं बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ और मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सिर्फ काम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एटलीस्ट ज़िंदगी अपनी अपने काम को दूँ और मैं मेहनत करती रहूँ और ऐसी मीडिया मेरे अराउंड रहे और मुझे जैसे तुम लोगों ने बनाया है मुझे हमेशा सपोर्ट करो और मैं अच्छा अच्छा काम करूँ और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस निकालो। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था कि आपने मतलब कुछ प्लानिंग करके इस तरह से मूव किया कि जो आपका गया प्लानिंग जो है ना सक्सेसफुल नहीं होती लाइफ में ज़्यादातर, और मैं बिलीव करती हूँ ये, मैं कुछ प्लान नहीं करती, जो आता है गो विद फ्लो। क्यों नहीं निभाऊंगी, मैं अपने आप पे मेहनत करूंगी, मेरे मुझे अगर आएगा काम अच्छा तो मैं वर्कशॉप्स करूंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं लाइफ में। अगर शहनाज गिल वेट लूज कर सकती है, अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकती है, तो वो सब कुछ चेंज कर सकती है। सलमान खान का एक रोल है कि सेट पे सारी वुमन के दिल जो है वो कवर होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है?
कौन पूछ रहा है ये? वो वहाँ पे भी मिस कम्युनिकेट हुआ था, यहाँ पे आप फिर से इसको कर रहे हो। नेक्स्ट पूछो प्लीज। ओके, वैसे मैं बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं तो ट्रेलर लॉन्च में भी मैंने अच्छे सेक्सी कपड़े डाले थे, क्लीवेज था, मुझे ऐसी कभी शनाज, जो भी लोग सलमान के काम करते हैं सबके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, सलमान के घर से आया हुआ खाना जो उनकी मम्मी स्पेशली पैक करवाती है और बहुत एलिबरेट होता है, हमने वो खाना खाया है, देखा है। आपने उनके खाने जिस तरह सलमान डिस्क्राइब करते हैं एक डिश के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सच्ची बोलूँ, उनका कौन सा वो बस कौन सी बींग हंग्री, ओ माई गॉड, मेरा मन करे इनको घर ले जाऊँ। इतना यम फूड होता है ना वहाँ पे, सबसे ज़्यादा सच्ची बोलूँ मैंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है। और खाना खाने के लिए मैं जाती थी, अच्छा, मैं घर से खाना नहीं लेकर जाती थी, मुझे था कि नहीं मैं लंच उधर ही करूँगी, मैं ब्रेकफास्ट भी उधर करूँगी और मैं चाय के साथ सैंडविच भी उधर ही खाऊँगी, क्योंकि इतना यम फूड अलग लेवल का। फिटनेस के ऊपर अगर सलमान सर से टिप्स लेने हैं तो सलमान सर को सिर्फ देखो जिम करते, तो वो तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि देखो लाइक उनका जैसे वो जिम करते कितनी मेहनत करते हैं, तो वहाँ से ही तुम्हें समझ आ जाता है, बोलने की और बात करने की और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मुझे हमेशा सर यही कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत आगे जाएगी लाइफ में, रुकना मत और तू बिल्कुल भी सैड मत फील किया कर, तू अपने आप पे मेहनत कर। सो मैं ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ एंड आई विल ऑलवेज यस। हाँ, फैंस के लिए यही बोलूँगी कि फैंस मुझे ठंडी हवा देना हमेशा, मुझे गर्म हवा बिल्कुल मत देना, मुझे गर्म हवा आए भी तो रोक लेना बस। हेलो, ईद के बस बाबा सिद्दीकी के लिए रेडी है, कल ड्रेस मेरी रात को। बस यही क्या होना होता है, तैयार होना होता है, जाके खाना खाना होता है, अच्छा बस यही होता है ईद के, बस तैयार होना होता है, लड़कियों को तो तैयार होने का शौक है। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल।